हाई बड़ी इज यू ऑल कैसे हैं आप सभी अगेन आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू दैट इज़ अबाउट टू स्कॉलरशिप आप सभी स्कॉलरशिप की वीडियोस की बहुत डिमांड करते हो और मैं और मेरी टीम हमेशा सर्च करते हैं क्या कोई लेटेस्ट स्कॉलरशिप आई क्या इंडिया के अंदर सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्मेंट हो उसी के साथ साथ जितनी कंपनीज़ है लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड और बहुत सारी एन और ऑर्गेनाइजेशन जो स्कॉलरशिप्स टाइम टू टाइम अनाउंस uh, करती रहती है बट एक जनता के पास यानी कि एक आम स्टूडेंट के पास वो स्कॉलरशिप पहुंच नहीं पाती बहुत ही कम बच्चों को पता होता है उसके लिए आपको इंटरनेट पे एक्टिव रहना जरूरी है लेकिन अब ऐसा नहीं है अब आपने अगर अकाउंटिंग गुरु को सब्सक्राइब किया है तो आपको नई से नई स्कॉलरशिप्स के बारे में पता लगता रहेगा तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कर लेना और बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना बाकी आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं वहाँ पर भी लाइव आता रहता हूँ और आपको कोई करियर काउंसलिंग को लेकर कोई इशू है यू कैन सॉल्व मी आउट आप उससे बात कर सकते हैं आज मैं आपके लिए एक नए टोटल तीन स्कॉलरशिप लेके आया हूं ध्यान से सुन लीजिए एक स्कॉलरशिप जो आज ही एक्सपायर हो रही है ये मैं पहले ही बता चुका हूं आज मैं इसको रिमाइंड करा रहा हूं इसलिए कह रहा हूं आज लास्ट डेट है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं बाकी जो दो स्कॉलरशिप्स हैं उनमें एक सबके लिए है जो कि मतलब कोई भी जो टेंथ uh, ट्वेल्थ पास आउट है ग्रेजुएशन कर रहा है नहीं कर रहा सबको यहाँ पर जो है uh, जी हाँ यहाँ पर एक पूरी सेलेक्ट होंगे और उनको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगी सब कॉल ओवल इंडिया से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी कहीं से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं और एक स्कॉलरशिप है जो यहाँ पर उनके लिए जो फ़ौरन से स्टडी करना चाहते हैं उनको यहाँ पर जो है बहुत बड़ा अमाउंट मिल रहा है तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को लेट्स चलिए जो आज एक्सपायर हो रही है वो मैं बताता ही नहीं हूँ वीडियो में उसको हटाई देते हैं कोई फ़ायदा ही नहीं है ठीक है और आगे अगेन तीन जो आपकी स्कॉलरशिप्स हैं उन पर डिस्कशन करते हैं तीनों बढ़िया हैं और टाइम काफ़ी है जो पहली स्कॉलरशिप है वो काइंड सर्कल की तरफ से आती है और ये एम्पावरिंग स्टूडेंट विद एजुकेशन इनका कहना ये है जो जी मेरीटोरियस स्टूडेंट्स है इसका मतलब होता है ब्रिलियंट स्टूडेंट उनके लिए दो हज़ार की स्कॉलरशिप्स है तो तेईस चौबीस सेशन एंड हो रहा है तो उस बीच फटाफट से आप अप्लाई कर सकते हैं इसकी लास्ट डेट जो है वो इकतीस मार्च दो है अभी आपके पास टाइम है ये लगभग मान के चलिए दस दिन है आपके पास जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप फटाफट से जो है जाके अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर जो है कोई भी जो कोई स्कूल स्टूडेंट हो चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो कोई भी अगर आप नाइन्थ में टेंथ में एलवेंथ में ट्वेल्थ में बी कॉम में बी एस सी में बी ए में बी सी ए में बी बी ए में है कोई बी एस सी ऑनर्स में कुछ भी कर रहे हो आपको दो चीज़ें की यहाँ पर शर्तें नंबर एक आपकी प्रीवियस ईयर में सेवेंटी फाइव परसेंट से ज़्यादा आए हो अगर आपके सेवेंटी फोर पॉइंट नाइन नाइन परसेंट आए ना तब भी आप एलिजिबल नहीं हो क्योंकि यहाँ पे मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा तो कोशिश करो आपके 75 परसेंट से ज़्यादा आए हो अगर आए हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाओगे दूसरा आपकी जो फैमिली इनकम है चाहे आपके मदर फादर दोनों जॉब करते हैं तो मिलाकर ठीक है तो फैमिली इनकम एनुअल जो है वो आपकी सिक्स लैख से कम होनी चाहिए ठीक है यानी कि महीने की पचास हज़ार से ज़्यादा ना हो अगर है तो भाई देखो नहीं मिल पाएगा अब क्या प्रूव होता है इसका ये तो फॉर्म सिक्सटीन ए होता है इनकम टैक्स का वो आप भर के जमा कराएंगे या फिर आप कोई आपका इनकम uh, सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं गवर्नमेंट का अप्रूवल के साथ यहाँ पे जो स्कॉलरशिप्स है वो नीड कैंडिडेट के लिए ये समझिए इट्स डिसाइडेड आफ्टर योर इंटरव्यू आपका एक इंटरव्यू होगा उसके बाद डिसाइड किया जाएगा और द मिनिमम स्कॉलरशिप जो है वो छः हजार रुपये मैक्सिमम कितनी है पता नहीं सोचिए बहुत है आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मान लीजिए कि इन्होंने देखा है कि भाई आप हो आप एक ऐसा कोर्स कर रहे हो आपकी फ़ीस बाईस हज़ार रुपये जा रही है साल की या तीस हज़ार रुपये जा रही है तो हो सकता है कि आपको उतनी स्कॉलरशिप दे दें ठीक है आप कहो कि सर मेरी लाख रुपये साल की जा रही है लोन ले रखा है क्या करें कहेंगे चलो आपको जितना हो सकता है मैक्सिमम हेल्प होगी तो आप तरह एक तरह से ये मेरीटोरियस स्टूडेंट्स को उनकी स्टडी में हेल्प करने के लिए मुहिम स्टार्ट की गई है लास्ट मार्कशीट इनकम सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का आईडी प्रूफ या आधार कार्ड वगैरह जो भी आपका बना हुआ है और एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट जैसे टेंथ की मार्कशीट में भी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको टेंथ की मार्कशीट में होता है ना ये तो टेंथ की मार्कशीट लगा देना या बर्थ सर्टिफिकेट ठीक है जी करंट ईयर की फ़ीस रिसिप्ट इसी साल की तो यहाँ पे अप्लाई का लिंक है जैसे आप टैप करोगे जिस वेबसाइट से मैं बता रहा हूँ बडी फॉर स्टडी वेबसाइट है जहाँ पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है तो आप यहाँ पे अपना साइन अप कर सकते हैं रजिस्टर पर जाके जब आपका अकाउंट बन जाएगा देन आफ्टर दैट आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर लेना डॉक्यूमेंट सब रेडी रखें अपने फ़ोन में फ़ोटो क्लिक करके वो आप अपलोड कर दे रहे हैं ठीक है तो ये थी पहली अब सेकंड वाली स्कॉलरशिप पे चलते हैं सेकंड स्कॉलरशिप जो है गाइस वो आ रही है कोटेक सुरक्षा स्कॉलरशिप प्रोग्राम यहाँ पे एक लाख रुपए का जो है आपको मिल रहा है अब इसमें स्कॉलरशिप की क्या स्पेशलिटी है लेट सी दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए है एक स्कूल स्टूडेंट्स एक कॉलेज स्टूडेंट और लास्ट डेट है इसकी तीस अप्रैल तो अगर आपके नियर बाय कोई ऐसा स्टूडेंट है तो ये वीडियो उसको जरूर शेयर करें कोई भी दिखे कहते हैं मदद जितनी करें उतना अच्छा होता है ठीक है ना आपके लौट कर आपके पास वो आपकी जो गुडनेस है वो काम लौट कर आपके पास आती है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीस अप्रैल इसकी लास्ट डेट है पर्सनस विद डिसबलिटी अगर कोई डिसेबल स्टूडेंट है डिसेबल समझते हो ना अपंग जिसे कहते हैं किसी भी दृष्टि से

इसके लिए बस उनका दिव्यांग सर्टिफिकेट चाहिए होगा और उसके प्रीवियस ईयर में पचपन परसेंट मार्क्स हो और उनकी फैमिली की एनुअल इनकम तीन लाख बीस हज़ार से कम हो ठीक है ये सब चाहिएगा बस और कुछ नहीं आप कोई कॉलेज स्टूडेंट है या कोई नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ तक के स्कूल स्टूडेंट है ऑल आर एलिजिबल इन्हें पचास हज़ार रुपये पर ईयर के जो है यहाँ पर मिलने वाले तो ये स्कॉलरशिप थी उनके लिए जो दिव्यांग है विकलांग है डिसेबल है ठीक है जी यानी कि आप समझ लीजिए तो यहाँ पर है अगर कोई है आपके नियर बाय तो मतलब एक सोशल कोज में लेते हुए आप शेयर कर देना ओके okay. तीसरी वाली जो स्कॉलरशिप है दिस इज अमेजिंग फॉर यू इनलेक्स शिवदासनी स्कॉलरशिप 2024 रीजनल यहाँ पर रहेगा अब्रोड यानी कि अगर कोई स्टूडेंट इसकी जो लास्ट डेट है uh, 22 मार्च है जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एक ही दिन है ना बचा हुआ तो भाई टाइम कम है इसका एक दिन बचा हुआ है लेकिन मैंने कहा चलो बता देता हूँ देखो अगर कोई बच्चा है वो मान लीजिए उसने ट्वेल्थ यहाँ से किया है ग्रेजुएशन कर लिया और पीजी कोर्स करना चाहता है फ़ौरन से फ़ौरन मतलब आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया कनाडा हो गया अमेरिका हो गया और कंट्रीज हैं जर्मन हो गया या जर्मनी हो गया अगर कहीं से करना चाहते हैं तो वो उनको स्कॉलरशिप मिलेगी और यहाँ पर स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा है गाइस एक लाख यू का है मतलब अस्सी लाख के करीब बैठते हैं जो आपको मिल सकते हैं इसका एक बार स्क्रीन ले लो आप क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है आपके सिक्सटी मार्क्स हो सी का आपकी रेटिंग अच्छी हो या आपने जी दिया है तो उसकी रेटिंग अच्छी हो जो आफ्टर ट्वेल्थ दिया जाता है ठीक है ना तो सेवेंटी परसेंट आपके मैथ साइंस इन्वामेंट इन सब्जेक्ट्स में होने चाहिए ठीक है और आप इंडियन पासपोर्ट हो आपका ठीक है जी और एक जनवरी उन्नीस सौ चौरानवे से के बाद आप जो है पैदा हुए हो ठीक है नाइनटीन के बाद आप एलिजिबल है तो ये वाली स्कॉलरशिप है इसमें चाहो तो अप्लाई कर लेना मैंने आपको तीनों स्कॉलरशिप की पूर्ण डिटेल दे दी है अगर आप इंटरेस्टेड हो सो यू कैन अप्लाई नाउ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड मेक श्योर स्कॉलरशिप के बारे की वीडियो को जरूर शेयर किया करो दोस्तों के साथ ताकि किसी की मदद हो क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हमने क्लिक किया वीडियो पे हमें लगा हम तो एलिजिबल ही नहीं है लेकिन हमें लगा कि मेरा फ्रेंड एलिजिबल है मेरे मामा का लड़का एलिजिबल है मेरा पड़ोसी एलिजिबल है सो यू कैन शेयर द वीडियो फॉर अगर किसी की हेल्प हो जाए तो आपको ज़िंदगी भर याद रखे थैंक यू सो मच